हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे भाई, अगर आपने फ़ोन का रिचार्ज करा लिया है और रिचार्ज कराने के बाद भी आपका फ़ोन का नेट नहीं चल रहा है तो क्या क्या आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स कर सकते हैं जिनसे कि आपकी ये समस्या हल हो सकती है, समस्या सॉल्व हो सकती है नेट ना चलने की। सबसे पहले भाई आपको करना क्या है, जैसे आपने रिचार्ज कराया, आपको सेटिंग्स में जाना है। आपको पता है अब ज़्यादातर फ़ोन में दो सिम होती हैं, ठीक है, दो सिम सभी फ़ोनों में ज़्यादातर, सब लोग तो नहीं यूज़ करते होंगे भाई, पर भाई कुछ परसेंट को छोड़कर ज़्यादातर लोग भाई दो सिम यूज़ करते हैं। अब मेरे फ़ोन में जैसे दो सिम है, एक जियो की है एक वी इंडिया की है, ठीक है। अब मैंने अगर रिचार्ज जियो में कराया है और इंटरनेट भाई यहाँ पर वी का सिलेक्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ इंटरनेट होता है, मैं इसे कर देता हूँ वी इंडिया पे। अब मेरे में जो है वी का नेट चल रहा है और मैंने भाई रिचार्ज गलती से, मतलब गलती से क्या, मैंने रिचार्ज जियो में ही कराया और मेरा यहाँ सिलेक्ट है इंटरनेट। तो सबसे पहले आपको इसको चेक कर लेना है कि जिस सिम में रिचार्ज कराया है यहाँ पे वही सिम सिलेक्ट है या नहीं है। जियो में कराया है तो अपना यहाँ पे इंटरनेट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे इसको ऐसे इस पर कर लेना, ठीक है। ये है आपका रिचार्ज बनाने का, करने के बाद का प्रोसेस। इसको यहाँ से इंटरनेट करने के बाद सिंपल वाला बताऊँगा, यहाँ से इसको नीचे करना, हवाई जहाज़ का मोड दिखाई देगा ना, इस पर क्लिक कर देना और 10 सेकंड के लिए छोड़ देना। इसको करते ही ना आपके नेटवर्क्स भाग जाते हैं, यहाँ से दोबारा रिस्टोर होते हैं भाई नेटवर्क यहाँ से करने से जो है। तो इसको कर लेना यहाँ से बंद करके, 10 सेकंड का वेट करना और 10 सेकंड वेट करने के बाद फिर इसको दोबारा यहाँ से छोड़ देना और ये नेटवर्क्स दोबारा वापस आएंगे, ये करना है आपको, ठीक है। दूसरी सेटिंग हो गई। तीसरी सेटिंग आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो आपकी सिम है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यदि सिम पे क्लिक करोगे यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे, नीचे आपको भाई ऑपरेटर का दिखाई देगा, उसके ऊपर एक्सेस पॉइंट नेम का, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट नेम में जाना है, यहाँ थ्री डॉट दिखाई देंगे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर रीसेट एक्सेस पॉइंट्स का नेम आएगा, मतलब एक्सेस पॉइंट्स आएगा, इस पर क्लिक करना है। नीचे परमिशन मांगेगा रीसेट एक्सेस पॉइंट्स की, इस पर क्लिक करना, रिस्टोर कर देगा डिसेंट जो डिफॉल्ट एपीएन है सेटिंग रिस्टोर्ड हो जाएगी, ये कर लेना है, बस बैक कर देना है। उसके बाद ऑपरेटर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से ऑटो सिलेक्ट हो रखा होगा, इसको यहाँ से एक बार ऑफ करना, ऑफ करते ही यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन आएगा, ऑफ कर देना, और दोबारा से आएगा फिर ऑफ कर देना। अब ये सर्च करेगा नेटवर्क्स को, ठीक है, नेटवर्क आपके जो है ठीक से नहीं आ रहा इसलिए आपका नेट नहीं चल रहा। अब यहाँ पे सर्च कर लेगा, सर्च करते ही आपका जो भी बेस्ट, जैसे मेरे में 4G, अगर आपका 5G तो 5G से कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ी देर लगती है वैसे मैं सर्च करने में, बेस्ट नेटवर्क में सर्च करके सिलेक्ट कर लेगा। ये करने के बाद इसको भाई दोबारा से ओके कर देना, इसको ऑटो सिलेक्ट पे ही रहने देना, क्योंकि जब हम बदलते रहते हैं स्टेट, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं या टावर जब एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो भी टावर भाई ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा। बस इतना सा काम कर देना है और आपने फ़ोन को यहाँ से एक बार रिस्टार्ट कर लेना है भाई दबा के। इसे करते भाई आपके फ़ोन का नेट चलने लगेगा रिचार्ज करवाने के बाद, जो आपका नहीं चल रहा था। और भाई कर लेना चेक, अगर होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।